गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं आपको हिंदी में चैप्टर 19 कराऊंगी। चैप्टर नंबर 19 पर हमारी कौन सी मात्रा दी हुई है? र पदेन की मात्रा दी हुई है। अब र पदेन की मात्रा का साउंड कैसा होता है और र पदेन की मात्रा किस तरह से लगाई जाती है और र पदेन की मात्रा कौन कौन सी होती है, मैं ये सब आपको बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए, ओके? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये है आपकी र पदेन की मात्रा। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने पहले से ही र पदेन की मात्रा को यहाँ पर लिखा हुआ है, लेटर्स के नीचे लगाया हुआ है इनको। अब इनका साउंड कैसा होता है और कौन कौन सी होती है ये मैं आपको समझा देती हूँ। र पदेन की मात्रा, देखिए र पदेन की मात्रा इस तरह से होती है, किसी भी लेटर के नीचे लगाई जाती है और इस तरह से भी लगाई जाती है। तो ये दोनों ही किसकी मात्रा होती है? र पदेन की मात्रा होती है। ये भी र पदेन की मात्रा होती है और ये भी र पदेन की मात्रा होती है। और ये वाली मात्रा किन लेटर्स के नीचे लगाई जाती है और ये मात्रा किन लेटर्स के नीचे लगाई जाती है, ये मैं आपको अलग से समझा देती हूँ और बनाकर भी दिखा देती हूँ, ओके? आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं और यहाँ भी मैंने कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं। अब आप देखिए इन लेटर्स में क्या डिफरेंस है। ये जो लेटर्स बने हुए हैं, है ना, तो देखिए इधर से, देखिए इधर से ये लाइन नज़र आ रही है और इसमें कौन सी लाइन है? इन लेटर्स में ये वाली लाइन है, राइट? और इन लेटर में ये वाली लाइन है। इस लेटर में कौन सी लाइन है? ये वाली। और इस लेटर में लाइन कौन सी है, मतलब यहाँ ये निकल रहा है नीचे से, ये निकल रहा है ना, कुछ तो निकल रहा है ना। तो जो ये इस तरह के लेटर्स होते हैं हम उसमें ये वाली मात्रा लगाते हैं र पदेन की। कौन सी? ये वाली लगाते हैं। नजर आ रही है ना आपको ये वाली? क्यों? क्योंकि इसमें पहले से ही थोड़ी सी ये लाइन निकली हुई होती है। हमें अगर र पदेन ये वाली मात्रा लगानी है र पदेन की, तो ये इस तरह से लगेगी। तो देखिए इस तरह से लगेगी, इस तरह से लगेगी, इसमें इस तरह से लग जाएगी और इसमें इस तरह से लग जाएगी। लेकिन जब ये लेटर्स अगर आते हैं और हमें र पदेन की मात्रा को लगाना होता है, तो हम इन लेटर्स में ये वाली मात्रा नहीं लगाते हैं, हम इन लेटर्स में ये वाली मात्रा लगाते हैं। क्यों? ये जो लेटर्स हैं ये मतलब राउंड में है, मतलब घूमे हुए हैं, मतलब इनके नीचे कोई भी लाइन नहीं निकली हुई है। देखिए इसमें कोई लाइन नज़र आ रही है नीचे निकली हुई? देखिए इसमें निकली हुई नज़र आ रही है? कोई सी भी छोटी सी भी लाइन नहीं नज़र आ रही है। इसमें देखिए कोई सी भी छोटी सी लाइन नज़र आ रही है आपको, जहाँ से आप ये वाली लाइन बना सकें, मतलब ये वाली मात्रा बना सकें, नज़र आ रही है? नहीं ना। तो जब ये लेटर्स होते हैं तो हम उसमें ये वाली र पदेन की मात्रा लगाते हैं। क्यों? तो देखिए इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से, क्योंकि इन दोनों में कोई सी भी लाइन नहीं है, तो हमें इस तरह से ये मात्रा लगानी होती है। देखिए इस तरह से, ओके? अब आपको समझ में आ गया ना, ये वाली मात्रा जो होती है किन लेटर्स में लगाई जाती है और ये जो मात्रा होती है र पदेन की, ये किन लेटर्स में लगाई जाती है। अगर आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं तो आप ये समझ सकते हैं, जिसका एक पैर होता है, मतलब जिसका एक पैर ऑलरेडी है ना, तो हम उसमें एक और पैर बना देते हैं ऐसे, ये वाला इस तरह निकाल के। क्यों? इसका पैर एक आ रहा है यहाँ पे, इसमें ये आ रहा है तो इसमें एक निकाल दिया, इसमें ये आ रहा है तो हमने एक और निकाल दिया यहाँ से, इसमें ये आ रहा है इसमें एक ये निकाल दिया, इसमें ऑलरेडी यहाँ से निकल रहा था तो हमने यहाँ पे निकाल दिया, है ना, इसलिए। लेकिन इसमें एक भी पैर नहीं है, देखो, तो हमने इन दोनों को दोनों पैर दे दिए, देखिए इस तरह से, है ना। इनके पास तो एक एक था इसलिए हमने इसमें एक बनाया, अब इनके भी दोनों पैर हो गए, लेकिन इसमें एक भी पैर नहीं था इसलिए हमने इन दोनों को ही इस तरह से बना दिया। तो अब आपको याद रहेगा ना र पदेन की मात्रा ये वाली किन लेटर्स के साथ लगाई जाती है और ये वाली मात्रा र पदेन की किन लेटर्स के साथ लगाई जाती है, ओके? तो चलिए हम लेटर्स के साथ लगाकर इनके साउंड को पहचानते हैं कि इनका साउंड कैसा होता है, ओके? र पदेन की मात्रा का जो साउंड होता है वो उसका साउंड निकलता है र, क्या निकलेगा? र करके निकलेगा। तो देखिए र पदेन की मात्रा का साउंड इसका भी र करके निकलेगा और इसका भी र निकलेगा, लेकिन जिस लेटर के नीचे निकलेगा ये वो उस लेटर के बाद में निकलेगा। जैसे ये क्या है? भ,
और ये क्या है? रपतिन की मात्रा। अगर हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, आप देख सकती हो यहाँ पे और भी लेटर्स के नीचे मात्रा लगी हुई है, देखिए किस तरह से लगी हुई है, राइट। तो चलिए अब हम इनको मिलाकर लिखेंगे और मिलाकर लिखने के बाद इनको बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं यहाँ पे लगा चुकी हूँ रपतिन की मात्रा को लेटर्स के नीचे। अब हम इनके साउंड को पहचानते कि साउंड कैसा होगा। तो भा के नीचे अगर लगा है तो इसका साउंड क्या होगा? भा के बाद निकलेगा तो क्या निकलेगा? ब्र। क्या निकलेगा? ब्र। अब ये क्या है? क। पदिन की मात्रा, र पदिन की मात्रा। अब का के नीचे तो कैसे बोलेंगे इसको? क्र। किस तरह से? क्र। उसी तरह से हम इसको बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? ब्र। क्या बोलेंगे? ब्र। और ये देखिए इसको किस तरह से बोलेंगे? ट्र। क्या बोलेंगे? ट्र। अब इसको बोलो ब्र, वो सॉरी प्र। क्या बोलेंगे? प्र। क्योंकि पा है और पा के नीचे लगी है तो इसका साउंड होगा प्र। क्या होगा? प्र। ये क्या है? ड। अब ड के नीचे है तो इसका साउंड क्या होगा? ड्र। क्या होगा? ड्र। अब इसको बोलो ग्र प्र। आगे बोलना, एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं हम इसको। ब्र क्र ब्र ट्र प्र ड्र ग्र प्र। ओके, अब आपको रपतिन की मात्रा का साउंड तो पता चल गया। अब इनको हम शब्दों के साथ मिलाकर लिखेंगे और फिर उसके शब्दों को बोलेंगे रपतिन की मात्रा का साउंड शब्द के साथ कैसे निकलता है। ओके, तो देखिए ये क्या है? च। अंग, अंग की मात्रा, ये द है और ये है द के नीचे पदिन की मात्रा। अब इसको मिलाकर यहाँ लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी, अब इसको किस तरह से बोलेंगे ये देखती है। इसको बोलो पहले चन। अब ये द और ये द के नीचे पदिन की मात्रा, तो द के नीचे पदिन की मात्रा है तो इसका साउंड क्या होगा? द्र। अब इसके साथ इन दोनों को बोलो चन द्र चन द्र चन द्र। क्योंकि हमें जो पदिन की मात्रा होती है वो हमें जल्दी से तो बोलना होता है, जिस भी लेटर के नीचे है तो उस लेटर के साथ में स्पीड से बोलना होता है, तो क्या हुआ? चंद्र। अब उसी तरह से इसको बोलो, ये क्या है? ट। और ये पदिन की मात्रा और ये है क, तो कैसे बोलेंगे? ट्र क। फिर से बोलो ट्र क। ओके, अब नेक्स्ट ये क्या है? प। और पा के नीचे ये है पदिन की मात्रा, र पदिन की मात्रा। अब एक और इसके साथ मात्रा लगी हुई है, वो किसकी है? ए की मात्रा। तो इसका मतलब पा के ऊपर जो है ये दो मात्रा आ रही है, मतलब पदिन की भी मात्रा और ये ए की मात्रा है ना, और ये क्या है? त। तो सबसे पहले देखो पा के नीचे हमने पदिन की मात्रा लगाई, र पदिन की मात्रा लगा ली है ना, उसके बाद हमने पा के ऊपर ए की मात्रा लगा ली। अब इसका साउंड क्या हो गया? पहले इन दोनों को बोलो प और र को, र पदिन की मात्रा से प्र। अब इसी के ऊपर हमें ए की मात्रा बोलनी है तो कैसे बोलेंगे? प्रे प्रे प्रे। कैसे बोलेंगे? प्रे। क्यों? जो हमारा नीचे पदिन र पदिन की मात्रा जो लगी होती है, हमारा ए की मात्रा का जो साउंड होता है वो रा के ऊपर आता है, मतलब उसको पे नहीं बोलेंगे, उसको रा के ऊपर साउंड बोलना है। तो इन दोनों को साथ में बोलकर तब एक ही मात्रा बोलेंगे। बोलो प्र। फिर प्र से बन गया प्रे प्रे प्रे। फिर से बोलो प्रे प्रे त प्रेत। अब इसी तरह से अगर यहाँ पे क बना होता, क के नीचे र पदिन की मात्रा होती, ऊपर एक ही मात्रा होती, तो क्या हो जाता? जैसे ये प्र है उसी तरह से वहां पे क्र हो जाता। क्या हो जाता? देखिए ये क्या है? क। देखो ये क्या है? क। अब क के नीचे मैंने पदिन की मात्रा लगा दी, इसी के ऊपर मैंने एक की मात्रा लगा दी, अभी क्या बना? क्र। अब क्र के ऊपर एक की मात्रा है तो साउंड क्या होगा? क्रे 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 क्रे, राइट। वही जो यहां पे साउंड है बस वही वही साउंड इसका भी होगा, बस लेटर चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा? प्रे, यहाँ पे क्रे।
अब आगे समझ में, तो चलिए हम इन लेटर्स के साथ और भी पढ़ लेते हैं, तो आपको शब्दों की प्रैक्टिस हो जाएगी और उसके र प्रत्यय की मात्रा का साउंड है और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये र प्रत्यय की मात्रा के शब्द लिखे हुए हैं, अब हम इनको रीड करेंगे। तो ये क्या है आ, और ये क्या है ग, और ग के नीचे र प्रत्यय की मात्रा, तो क्या बना अग्र, अग्र क्यों ग के नीचे है तो ग के बाद ही तो साउंड आएगा ना र प्रत्यय की मात्रा का। एक बार फिर से बोलो अग्र। अब इसको देखो उग्र, उग्र। अब इसको बोलो क्रम, क्रम। अब इसको भ्रम, भ्रम, भ्रम। अब इसको बोलो ड्रम, ड्रम। अब इसको ट्रक, ट्रक। आ गया। इसी तरह से अब आपको र प्रत्यय की मात्रा के और भी शब्दों को इसी तरह से रीड करना है, ओके। लेकिन आपको जो लिखना है वो क्या लिखना है मैं भी आपको दिखा देती हूँ, दे सकती हूँ। ये जो मैंने आपको समझाया था अभी, आपको ये करना है वर्क, आपको इन लेटर्स के साथ में र प्रत्यय की मात्रा को इस तरह से मिलाकर लिखना है, ओके। फिर इनको इस तरह से शब्दों के साथ में लिखना है, ओके। तो चलिए अब आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करो, है ना, और इस चैप्टर को र प्रत्यय की मात्रा को रीड करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।